हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। जैसे आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही टेस्टी हो रही थी, आप भी ट्राई करना। और ये मैंने कटहल काट लिया है, उसमें मैंने थोड़ी हल्दी और नमक डाल दिया है। और अब मैं इसमें उबलता हुआ पानी डालूँगी, खूब गर्म पानी, और थोड़ी देर इसे ढक के रख दूँगी, 15-20 मिनट। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें करूँगी दही, थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्ची, नमक और जीरा पाउडर इसमें डाल के इसे भी 10-15 मिनट छोड़ दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दूँगी, अच्छे से मिक्स करना, ताकि सारी कटहल के अंदर अच्छे से ये मसाला चला जाए। और प्याज मैंने काट दिया है, अब मैंने लंबे लंबे प्याज काटे हैं ये, और इन्हें मैं अच्छे से भून के उसके बाद मैं इन्हें पीसूँगी। इन्हें मैं ऐसे साबुत नहीं डालना है मुझे। और मैंने ये हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, एकदम मैंने इन्हें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि इन्हें मैं मिक्सी में पीसूंगी। इसलिए इससे जो कटहल में जो खुशबू आती है इस प्याज की, वो बड़ी अच्छी आती है, आप ट्राई करना कभी। और मैंने आलू डाले हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा कटहल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा आलू, ये है हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता, ये मसाले डाले हैं मैंने इसमें। तो इन्हें हल्के से फ्राई करने के बाद इसमें मसाले डालूंगी मैं, ये सूखे मसाले। और आलू भी मैंने थोड़ा फ्राई कर दिए थे, क्योंकि कटहल भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा आलू फ्राई कर रहे हैं। ये मसाला भूनूंगी इसको, उसके बाद इसमें कटहल डालूंगी। देखो, अच्छे से भून दिया है मैंने इसको, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, ये देखो। और गैस एकदम कम रखना है, सिम पे रखना है गैस। ये देखो, ये कटहल भी डाल लूँगी मैं इसमें। कटहल को भी थोड़ा सा 5-7 मिनट अच्छे से ऐसे पकाने के बाद, उसके बाद मैं इसमें प्याज का पेस्ट डालूँगी। ये देखो, अच्छे भूनने के बाद अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज का पेस्ट। ये देखो, इसमें मैंने पानी डालकर पीसा है इसको। प्याज को ऐसे थोड़ा सा सब्जी में अच्छी से तरह मिक्स करके इसे थोड़ी देर ढक दूंगी। उसके बाद इसका जो सारा मसाला है कटहल के अंदर अच्छे से घुस जाए। ये देखो, अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसको। देखो, थोड़ी देर ढक के रख दूंगी इसको, फिर ये सब्जी हो जाएगी तैयार। ये देखो, मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है, क्योंकि तेल मैंने इसमें कम डाला था, तेल ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा मक्खन डाला है। और अब डाल दिया है धनिया, थोड़ा केवड़ा डाला है, जिससे इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है।